और हमारी न्यायपालिका में बोबड़े साहब बैठे। महाराष्ट्र में पीने वाले को क्या बोलते हैं, बेवड़ा, तो बेवड़ा है वो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बोल रहा हूँ मैं, बेवड़ा है वो। इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी नींद नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री को तलब करना चाहिए था उसने, उसका विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया था, ये नहीं कर सकता है क्या? इतना अत्याचार कर रहा वो आदमी और तमाशबीन बन के देख रहा है और ऑर्डर कर रहा है तो क्या कर रहा है? आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन आप न्यूसेंस क्रिएट मत करना। अरे भाई ए बोबड़े सुन, 4 साल तक सैनिक वहाँ बैठे रहे जंतर मंतर पे, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारे 4-4 जज आए कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा कॉलेजियम में, उसके बाद तुमने क्या किया वहाँ बैठ करके? वो कर रहे थे वही किया, रंजन गोगोई तीसरे दिन राज्यसभा का मेंबर बन गया, ये न्याय है हमारी व्यवस्था में? ए बोबड़े सुन, ध्यान से सुन, भारतीय संविधान क्या कहता है? कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं, ये है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका IAS IPS जो UPSC के थ्रू आते हैं और ये मुखौटा होते हैं सरकार का, ये उनका धर्म है, वो बाहर नहीं जा सकते, उनको रोकने के लिए आप हैं मिस्टर बोबड़े। भूल रहे हो तुम अपने कर्तव्य को? मैं तुम्हें कर्तव्य याद दिलाता हूँ, कान खोल के सुनो, एक पुस्तक पढ़ना मिस्टर बोबड़े, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग कानून की, खुली हवा में, इतनी ठंड में किसान मर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? संज्ञान लीजिए, नरेंद्र मोदी को तलब कीजिए, सामने खड़ा कीजिए कटघरे में और उसे पूछिए, ये अधिकार तेरे को किसने दिया मिस्टर मोदी? ये किसानों की आवाज़ है, प्रकृति इसको संचालित कर रही है, इस संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ते कदम है भारत के। लिख लेना बोबड़े, ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पर कब्जा कर लिया उस नर पिशाच ने, हजारों लोगों की मौत की नींद की सुला दिया उसने तुमने, और तुम चुपचाप देखते रहे हो। ये कर्तव्य की मतलब अधोगति है, ये अधोगति कर्तव्य की। आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे, इस्तीफा दे के घर चले जाओ अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो। और अगर आप संविधान पढ़े हो, मैंने भी संविधान पढ़ा है, आप उसका पालन करवाइए सिस्टम से, ये आपका नैतिक धर्म है। धर्म क्या है, ध्यान से सुनो मिस्टर बोबड़े, नमक का धर्म है खारापन, शकर मीठी, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। और हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है, कान खोल के सुनना बोबड़े, तुम्हें कह रहा हूँ मैं, तू शब्द लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता मैं। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और बोबड़े मुझे इस देश में नहीं जीना, तुम अपनी गोलियों से मेरे शरीर को छलनी करवा दो, मैं आज लिख के दे देता हूँ तुम्हें, मैं ऐसे देश में जीना नहीं चाहता मिस्टर बोबड़े। तुम संविधान की अगर इज्जत नहीं कर सकते तो मैं उस संविधान की पालना नहीं करूँगा। लिख लीजिए आप, आपको संविधान के पैरामीटर में आना पड़ेगा मिस्टर बोबड़े, आपको उसको तलब करना पड़ेगा नरेंद्र को। हजारों लोगों का खून बहा दिया उसने, वो चरित्रहीन आदमी प्रदीप शर्मा को अंदर करके बैठा है, आप उसकी याचिका भी नहीं सुन रहे, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कोर्ट भी शांत है, व्यवस्थापिका भी तमाशा बन के खड़ी है, वो DGP तुम्हारा BSF का मिस्टर राकेश अस्थाना हार्डकोर क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल। आलोक वर्मा उसको गिरफ्तार करना चाहता था और उसको उसने DG बना के बैठा दिया है। आप ऐसे तमाशबीन बने रहोगे तो मुझे फिर शर्म आ रही है। इस पद पे मत रहो आप, छोड़ो इस पद को, और पद पे बैठना तो उसके साथ न्याय करो। ये प्रकृति हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। देखो ये जंग बहुत दूर तक जाएगी बोबड़े जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये शुरुआत हो रही है, ये किसान आंदोलन नहीं लड़ रहा है, ये प्रकृति आंदोलन लड़ रही है। और हम साधु बने मर करके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाश को आप कहीं लटकाओ दफनाओ, इसको छलनी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो मर के साधु बने हैं। मैं सारे साधुओं से मिला, सब डरे हुए हैं कि ये तो पिशाच आदमी है, हमें मार देगा। कंप्यूटर बाबा को 151 में कई दिनों इंदौर पुलिस ने बंद रखा, शिवराज सिंह ने पुलिस ने किसानों पर गोलियां बरसवाई पुलिस के द्वारा मंदसौर में, क्या कर रहे हैं आप लोग? व्यापम में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया उस शिवराज ने, कंस के रूप में है वो, तो न्यायालय का ये धर्म तो ठीक बात नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ बोबड़े जी, खुद के ईमान को जगाओ और पढ़ो संविधान को कि प्रकृति आपको क्या संदेश दे रही है। किसान लोग मर रहे हैं, हमारे एक साधु ने आत्महत्या कर ली है, क्यों? ये करुणा उससे देखा नहीं जा रहा, आप देख रहे हैं सब तमाशा, और आप उनके साथ खड़े हो गए इसलिए कि वो आपकी नौकरी छीन लेंगे। अरे आलोक वर्मा की भी छीनी है ना उन्होंने, वो इसी राकेश अस्थाना को बंद करना चाहता था, हार्डकोर क्रिमिनल है वो, उसने आसाराम के लड़के को 11 साल पुरानी लड़कियां उठा के और बलात्कार में बंद किया। और क्या कहता है वो राकेश अस्थाना FIR में क्या लिखवाता है कि नारायण साई को और आसाराम को उसकी घरवाली आसाराम की और उसकी बेटी लड़कियां सप्लाई करते थे। अरे लानत है, क्या कर रहे हैं आप लोग,
ऐसा दृश्य उभर रहा देश के अंदर। साधु संतों को डरा दिया गया, कंप्यूटर बाबा को 151 में कई दिनों इंदौर में बंद रखा गया, सब डरे हुए, 50 साल पुराना आश्रम खदेड़ दिया। अरे जनता के प्रतिनिधियों का पैसा लगा हुआ था, जो गुनाहगार है उनको अंदर करिए ना 120 बी में। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे साथ आप भी तो बराबर के गुनाहगार हैं। संविधान हम सबको क्या इजाजत देता है? अनुशासन में रहो, तो आप भी और हम भी अनुशासन के तहत काम करें तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, उसकी समाज को जरूरत है। ये अन्नदाता MSP के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, क्या इसका अधिकार नहीं है? भारत की आत्मा गांव में रहती है, मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोल कर धान उपजाता है, उसके हक में आप नहीं खड़े हो सकते, तो फिर आप कौन से देश में, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे ये बैलगाड़ी के युग में हिंसक पशु ले जाना चाहता है भारत को, और ड्रोन पे दुनिया उड़ रही है। जापान में 1945 में बोबड़े जी हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, कोई आत्मचिंतन किया उन्होंने? 64 में बुलेट ट्रेन आई, नो डिले नो एक्सीडेंट। ये होती है प्रशिक्षण की ताकत। अगर आप देश से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने आने वाली नस्लों से, तो सुधारिए सिस्टम को। आपके पास मौका है, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बहुत अपेक्षा कर रहे हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या करेंगे, आपको घर बैठा देंगे ना, इतिहास आपका स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।